हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल में जिसका नाम है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स और आज मैं बात करने जा रही हूँ वो एप्लीकेशन के बारे में जिसके बिना इंग्लिश स्पीकिंग अधूरा रह जाता है मैं बात कर रही हूँ डिक्शनरी की डिक्शनरी के बिना इंग्लिश बोलना और इंग्लिश क्लियरली uh, बोलना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि ये जो डिक्शनरी है फिज़िकल डिक्शनरी हो या फिर हम लोगों के मोबाइल फ़ोन में जो ऑफलाइन ऑनलाइन डिक्शनरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों इंग्लिश के इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में ओके तो मैं जानती हूँ कि हर जगह ये डिक्शनरी लेके जाना बहुत मुश्किल है अगर छोटा सा पॉकेट डिक्शनरी भी है तो वो लेके जाना अभी संभव नहीं होता क्योंकि आजकल हर चीज़ मोबाइल फ़ोन में है तो हम लोगों को डिक्शनरी भी मोबाइल फ़ोन में रखे तो अच्छा है लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाती है कि कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे वो आप कंफर्म कर लीजिए कि एड फ्री है राइट क्योंकि जब ऐड एडवर्टाइजमेंट बीच में आता है तब आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है जैसे आपने किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए आपने एप्लीकेशन को ऑन किया और वहाँ पे एड्स आने लगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप भूल जाएंगे कि आपने किस चीज़ के लिए फ़ोन उठाया था है ना तो ये सभी के लाइफ में होता है स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि जिसका मैक्सिमम काम मोबाइल फोन से ही कम्प्लीट होता है कम्प्लिश होता है राइट तो आपको क्या करना है ये एड फ्री जो डिक्शनरी है उसको डाउनलोड करना है और मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा डिक्शनरी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डिक्शनरी के बिना मैं अधूरी हूँ मुझे पढ़ाना है पढ़ना है सीखना है और कभी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तब भी मुझे देखना है इसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन है वो इंडिसपेंसिबल है इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया और मैं बता रही हूँ कि मेरे फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप टोटली totally रिलाई कर सकते हैं इस आप टोटली totally रिलाई कर सकते हैं आप टोटली totally डिपेंड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में क्योंकि ये एप्लीकेशन में आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं मिलता बल्कि वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग ही नहीं मिलता बल्कि वर्ड मीनिंग के साथ साथ इसका प्रनाउंसिएशन इसका ओरिजिन इसका फोनेटिक जो सिम्बॉल्स uh, होते हैं वो भी आपको दिखाई देगा फोनेटिक सिंबल्स कैसे रीड किया जा, जा सकता है फोनेटिक्स या फिर फोनेटिक सिंबल्स जो है वो कैसे रीड करते हैं ये हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ डिक्शनरी कौन सा यूज कर सकते हैं टोटली हैसल फ्री जो है डिक्शनरी कौन सा है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं इस पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तो प्लीज स्टे ट्यून्ड मी फ्रेंड्स ये है डिक्शनरी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी आप लोगों से और ये डिक्शनरी को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले में और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है इंग्लिश डिक्शनरी ऑफलाइन तो ये आपको इंस्टॉल करना है मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है जिसकी वजह से यहाँ पर दिखा see, रहा है आई हैव टाइप द वर्ड Hi, okay. I have typed the word hi, and here you can ask for the pronunciation as well. For this, you just have to click out here, okay. Out here, right now it's locked position. Let me give you a demo of this. Hi, etymology one from Middle English. Hi, 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 from Old English. from GMW Pro. Okay, here. It will not only pronounce the word but it will pronounce the entire thing which is given out here. In this way, you can improve your English. You will not only get the meaning of the word, okay, related to the sentence, whichever is applicable, you can apply that to the sentence, okay, because we know one word will have numerous meanings, all right. And on the basis of its sentence, we can get the meaning. We can get an accurate meaning. Okay, so here this is how this dictionary work. First, we have to type the word here. Then, if we require you, we can press this and get the pronunciation. And not only this, it will read entire thing which is shown here. Alright, let me show you another feature of this dictionary here we have from where the word has been originated okay by ty uh, you know by pressing etymology we can get the source we can get the source of the word here you can see it has been created from middle english all right and the spelling has been changing since old english days to present modern days all right now what we have to do we have to hide this because we rarely require we rarely require origin of the word all right so let's move towards another point चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इस डिक्शनरी में मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये हाइड कर देना है इटाइमोलॉजी बिकॉज़ वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका इवॉल्वमेंट कहाँ से हुआ ये सब इवोल्यूशन इवॉल्वमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब हम लोगों को फिलहाल ज़रूरत नहीं है राइट तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका एड ये एडजेक्टिव है एक राइट और इसका कौन सा डिग्री में हम लोग ला सकते हैं एज वी नो एड्जेक्टिव के थ्री डिग्रीज होते हैं राइट right? तो उसमें से किस कैटेगरी में आता है ये हमको देखना है एक कैटेगरी क्या होता है एडजेक्टिव्स में उसके लिए हम लोग दूसरी वीडियो में जानेंगे राइट right? फिलहाल हमको देखना है मीनिंग तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस यू विल गेट द मीनिंग राइट एंड यू हैव टू यूटिलाइज इट बाय रीडिंग ऑल व्हिच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू And your sentences all right based on that you s you'll you select the word okay I guess this is clear to you all so after this I can get see you can get the history how many words you have uh, seen till now bookmark okay bookmark means uh, not to move here and there okay you will lock the place where you were reading the word meaning right then you can take notes also how notes works let me show you you have to open notes okay see here i have used this word international affairs okay international affairs in this meaning what i have added in this meaning what i have added i have added this note ओके आई सर्च दिस वर्ड टूडे एंड आई रिमेम्बर माई लास्ट इंटरैक्शन विथ वन ऑफ माई कलीग्स दिस इज़ टोटली अप टू यू वट डू वॉन्ट टू राइट राइट लेट मी शो यू हाउ डज़ नोट्स वर्क हिअर यहाँ पे है इसको क्लिक करना है और आपको नोट्स लिखना है नोट्स क्या लिखेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर आप जो भी है जैसे हम लोगों ने हाई सर्च किया था तो हाई के बारे में आपका क्या नोट है आपने आप लिख सकते हैं कहाँ पे आपने हाई यूज़ किया या फिर हाई का मीनिंग क्या था यू हैव टू राइट ओके जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए तो ऐसे हम लोग नोट्स यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी में लेकिन ये सब हम लोग रेयरली करेंगे वी हैव टू फोकस ऑन दी मीनिंग्स ओके मीनिंग्स स्पेशली तो मीनिंग जानने के बाद में एक के साथ हम लोग बहुत सारे मीनिंग्स को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और इसके साथ में हम लोग को एक बोनस पॉइंट मिलता है कि उसको कैसे यूज़ किया गया है ओके द बलून रोज हाई इन द स्काई द वल्ड वॉज हाई अ हाई माउंटेन दिस इज टांग ट्विस्टर अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें

जो सिंबल्स है उसमें हम लोगों को मिलेगा उसके बाद ग्रामर में इसका कैटेगरी क्या है ये एडजेक्टिव है वर्ड ओके सपोज़ कोई और नाम है तो वो नाउन हो सकता है ठीक है वर्ब हो सकता है और अगर एक ही वर्ड वो एडजेक्टिव भी है या और और कुछ भी है मान लीजिए वर्ब भी है तो आपको इसके नीचे दिख जाएगा ठीक है यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल होता है जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ ये एडजेक्टिव है राइट ये एडजेक्टिव हो गया नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको नाउन ओके नाउन आने से पहले मैं दिखा देती हूँ आपको एक और चीज़ इसका आप सिनोनिम देख सकते हैं एंटोनिम देख सकते हैं ठीक है और यहाँ देखिए नाउन ये रहा नाउन राइट सब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और वर्व भी है ये देखिए वर्व ठीक है तो एक जो वर्ड है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये टोटली ये एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो ये देखने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐड फ्री वाले एप्लीकेशन में ही जाना है ताकि आप अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें और आपका माइंड भी डेविएट ना हो फोकस्ड रहें ठीक है डियर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था या नहीं था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके मैसेजेस आपके शेयर्स आपके कोऑपरेशन का हम लोगों को हमेशा इंतज़ार रहता है Till then, we meet. Take care. Thank you, everyone.